नमस्कार, पंजाबी सी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। जो दर्शकों मौसम अपडेट के साथ लाइव जुड़े हैं और बताएंगे कि किस प्रकार से गर्मी जो है वो अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस वक्त अगर धर्मशाला की बात करें तो किस तरह का धर्मशाला में टेम्परेचर जो है वो पहुँचा है। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको धर्मशाला से साझा कर रहे हैं और बता दें क्योंकि मौसम जो है वो लगातार पसीने जो है वो छुड़वा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें कांगड़ा जिला की तो देखिए 7 साल जो पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। ऐसे में प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ने शुरू हो गई है, लेकिन 18 जून तक की अगर हम बात करें तो देखिए राहत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लू का भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किया है। और इसी बीच अगर आप धर्मशाला की बात करें तो इस वक्त 33 डिग्री जो है वो टेम्परेचर पहुँच चुका है, यानी कि धर्मशाला में भी प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ रही है। ऐसे में बात करें मैदानी क्षेत्र तो लगातार जो लोग हैं वो मैदानों की ओर रुख जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सीजन में पहली बार हिमाचल प्रदेश के जो 10 क्षेत्र हैं उनमें से 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए ये पहली बार हो रहा है, यानी कि सीज़न का पहली बार है कि 10 जो क्षेत्र हैं उनमें से 40 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुँचा है। वहीं बात हम ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन के कई क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पिछले कल भी लू जो है वो चली थी और आज भी लू चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से फिलहाल जारी जो है वो किया गया है। बात करें ऊना की तो देखिए ऊना में 17, कांगड़ा में 7 और शिमला में 5 साल के बाद सीजन का सबसे गर्म दिन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें कांगड़ा की तो सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो दर्ज हुआ है, यानी कि 7 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। तो देखिए हर दिन जो है वो प्रचंड गर्मी लोगों को जो है वो झेलनी पड़ रही है। वहीं शुक्रवार से यानी कि कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और अंदर चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। लेकिन देखिए पहले भी पूर्वानुमान लगाया गया था, लेकिन फिर भी गर्मी जो है वो खूब लोगों को सता रही थी। ऐसे में देखिए 15 जून से 18 जून तक जो है वो मौसम एकदम साफ बताया गया है और लू चलने का भी अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में देखिए बात करें राजधानी शिमला में तो पिछले कल तापमान 30 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। इससे पहले 2019 में जून के दौरान अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री जो है वो दर्ज हुआ था। ऐसे में बात करें 2007 की तो ऊना में अधिकतम जो पारा था वो 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब 17 वर्ष बाद तापमान 43.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसी बीच अगर हम बात करें कांगड़ा जिले की तो वर्ष 2017 में पारा 42 डिग्री पहुँचा था, अब पिछले कल की बात करें तो 41.3 डिग्री जो है वो दर्ज हुआ है। तो देखिए 2017 के बाद बात करें 2024 की तो पारा जो है वो 40 के पार पहुंच गया है। वहीं मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों भी पूरी तरह से तप रहे हैं और लगातार जो मैदानी क्षेत्रों के जो टूरिस्ट हैं वो पहाड़ों की ओर देखिए रुख कर रहे हैं ताकि यहाँ पर राहत जो है वो उन्हें मिल पाए। जिस तरीके से गर्मी जो है वो पड़ रही है, वहीं अगर मैदानी जिलों की बात करें तो जनजीवन भी पूरी तरह से बेहाल हुआ है। न्यूनतम तापमान चढ़ने से रात के समय भी गर्मी का जो प्रकोप है वो झेलने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम धर्मशाला की बात करें तो देखिए धर्मशाला में जिस तरीके की गर्मी जो है वो सुबह के वक्त पड़ने शुरू हुई है, ऐसा ये कई सालों का यहाँ पर भी रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, क्योंकि धर्मशाला में इस तरीके की गर्मी जो है वो काफ़ी सालों बाद जो है वो देखने को मिली है। वहीं अगर हम प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना का कल जो है वो 43.2 डिग्री, वहीं बिलासपुर का 42.6 डिग्री, हमीरपुर का 41.7 डिग्री, कांगड़ा का 41.3 डिग्री, मंडी का 40.8 डिग्री, चंबा का भी 40 डिग्री, नाहन का भी जो है वो 38 डिग्री, सोलन का 37 डिग्री, धर्मशाला का 36 डिग्री, तो वहीं शिमला और धर्मशाला का 30 डिग्री आज जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए पिछले कल जिस तरीके से लू चली जो है प्रचंड गर्मी जो है वो प्रदेश के तमाम जो जिले हैं
में देखने को मिली थी। तो ऐसे में बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ भी अब तक में जो है वो शुरू हो गए हैं। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए मौसम देखिए ज़रूर उसमें करवट बदली थी और राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन फिर से प्रचंड गर्मी जो है वो सताने लगी है। वहीं कल यानी कि शुक्रवार को मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और ऐसे में बारिश जो है वो होने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि क्या राहत इस प्रचंड गर्मी से लोगों को मिलती है या लू का सामना जो है वो करना पड़ेगा। फिलहाल दर्शकों इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।